नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ और महाराष्ट्र में पुणे, अकोला, मुंबई यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। काफ़ी लोग हमें अलग अलग प्रकार के कंसल्टेशन करते हैं, उनके मानसिक समस्याएं रहती है। मैं सोचा हूँ कि जो लोग अलग अलग समस्या लेके हमारे पास में आते रहते हैं, उनकी कुछ समस्या आपके सामने पेश करूँ, ताकि आपको भी पता चलेगा कि भाई लोग किस तरह से ग्रसित है। यदि आपको भी उसमें से कुछ समस्या होंगी तो उसका भी इलाज आप कर सकते हो। तो देखिए, ये एक 35 साल का व्यक्ति है और इसके भाई ने फ़ोन किया। इसने ये बोला कि भाई ये कफ सिरप ले रहा है जिसमें कोडीन है और कुछ नशे वाली दवाइयाँ उसमें हैं, कफ सिरप, और काफ़ी कफ सिरप में होता है वो, और उसकी लत बहुत लोगों को रहती है कफ सिरप की। उसकी आंखों से पानी आता है और उसको कम से कम 2 बॉटल रोज की लगती है, 2 बॉटल रोज पीता है वो। एक बार कफ हुआ था तो डॉक्टर ने लिख के दिया था, उसके बाद में उसने चालू कर दिया। वो लिया नहीं तो वो खड़ा नहीं रह पाता, उसको हिम्मत नहीं होती, नहीं लिया तो नींद नहीं आती, तो उसके लिए दवाई चाहता है, ठीक है ना। तो एक ये हो गया। फिर दूसरा है, ये 64 साल के व्यक्ति है और उनको उनकी कंप्लेंट उनके लड़के ने किया कि भाई ये भूल जाते, भुलक्कड़पना बहुत है, और उनको वो कहीं बाहर निकल जाते हैं फिर रास्ता उनको मिलता नहीं वापस आने को, और फिर उनको यदि रोकने की और टोकने की कोशिश किया तो फिर वो गाली गलौज कर देते कि भाई मेरे को बाहर नहीं जाने दे रहे करके, और वो बार बार भूल जाते हैं। कभी कभी उनको लैट्रिन और बाथरूम, मतलब टॉयलेट, पेशाब और शौच, ये कपड़े में कभी कभी हो जाता है, उनको उसका भान नहीं रहता। वो 4 साल पहले दारू पीते थे, अभी शराब पीना बंद किया हुआ है। तो उनका ये जो है, ये मैंने उनको बताया कि आपको सीटी स्कैन करना जरूरी है और सीटी स्कैन करके ये देखना होगा कि भाई ब्रेन में क्या प्रॉब्लम है क्या, और ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीटी स्कैन नॉर्मल है, तो ज़्यादातर ये हो सकता है कि अल्जाइमर्स डिसीज हो सकता है। और पहला जो मैंने बोला वो है एक्चुअली ड्रग एडिक्शन। फिर दूसरे व्यक्ति है कि उनका ये है कि उनके पत्नी का फ़ोन आया और उन्होंने ये बताया कि भाई मेरे हस्बैंड को सेक्स करने की इच्छा बिल्कुल ही होती नहीं है, उनको बार बार बोलना पड़ता है और वो बोलने के बाद में फिर कुछ बहाना बनाएंगे, आज तो क्या थक गया हूँ, आज तो क्या टाइम ही नहीं है, आज तो कमर दर्द कर रहा है, आज तो मेरे को ये फ़ोन फान करने के है या ऑफिस का कुछ काम है, ऐसा कुछ तो भी बहाना बनाएंगे और फिर लेट आएंगे बेड पर सोने के लिए, ताकि वो पहले सो जाएंगे औरत और बाद में आ जाएंगे, और उनको ऐसा है कि भाई फिर मुझे रहा नहीं जाता है, फिर चिड़चिड़ापन आता है, फिर झंझट झगड़ा होता है, और अभी उनको सेक्स नहीं आता है, मतलब लैक ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर, इच्छा ही नहीं है। तो वो है अभी लैक ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर, इच्छा ही नहीं है, यहाँ एक्साइटमेंट नहीं हो रहा है। मतलब देखो, लिम्बिक सिस्टम जो है दिमाग में, उसमें एक्साइटमेंट होता है, उसमें भावनाएं पैदा होती है सेक्स की, और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में विचार पैदा होते हैं। अब यहाँ प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में जहाँ विचार पैदा हो रहे हैं, लिम्बिक सिस्टम में जहाँ भावनाएं तैयार हो रही है, यहाँ कुछ तो भी कंडीशनिंग हुआ है, यहाँ गड़बड़ हुई है, और उसकी वजह से होता है। हो सकता है कि बचपन में कुछ ऐसे मतलब कुछ तो भी ऐसा बहुत बड़ा आघात हो गया है, बहुत बड़ा ऐसा कुछ डैमेज हो चुका है साइकोलॉजिकल, कि भाई उनको इच्छा ही चली गई सेक्स की। तो ये है। फिर नेक्स्ट जो है वो है एक दवाई, उनको दर्द की दवाई, सिंपल पैरासीटामोल टैबलेट है, और उनको उसका व्यसन लग गया। अब वो नहीं लिया पैरासीटामोल तो फिर उनको बहुत तकलीफ होती रहती है, दर्द करेगा, बॉडी दर्द, पेन वगैरह। अभी एक्चुअली पैरासीटामोल से इतना होता नहीं विड्रॉल, मगर इनको है, और कभी उनको दिया था डॉक्टर साहब ने लिख के सर दर्द के लिए। अब वो पैरासीटामोल लिया नहीं तो फिर गुस्सा आएगा, टेंशन आएगा, फिर वो काम नहीं कर पाएंगे और फिर बहुत दर्द होता है बॉडी को, तो ये भी उनको छोड़ना पड़ेगा धीरे 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 धीरे, और उसके लिए भी दवाई हम देंगे, फिर हिप्नोथेरेपी से अच्छा हो जाता है। फिर यह है 28 साल का स्टूडेंट, और इसका कंप्लेंट यह है कि उसका लिंग छोटा है, लिंग टेढ़ा है, सेक्स का टाइम कम रहता है, और लिंग की चमड़ी जो है ऊपर की, इसको प्रीप्यूस बोलते हैं, वो पीछे नहीं जाती, लिंग का आकार लंबाई कम है, और उसको उसकी बहुत चिंता रहती है, उसकी वजह से वो शराब पीता है, नींद नहीं आती, शादी अभी है कुछ 1-2 महीने के बाद में, और उसको लगता है कि मैं भाग जाऊं तो अच्छा है, मैं शादी नहीं करूं तो अच्छा है, क्योंकि शादी करूंगा तो मैं लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर दूंगा करके। तो उसको हमने
काउंसलिंग किया, एक्चुअली कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, किसने तभी उसको चिढ़ाया था और तब से उसको ऐसा हो गया है, तो उसका कोई चिंता नहीं है, उसको मैंने काउंसलिंग किया और काउंसलिंग के बाद में वो काफ़ी शांत हो गया। तो इस तरह से काफ़ी पेशेंट ऐसे अलग अलग आते रहते हैं। हम ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, ऑनलाइन कॉल्स करते हैं, वीडियो कॉल्स, ऑडियो कॉल्स, लोग दूर दूर के पेशेंट कॉल करते हैं, फिर हमको ऑनलाइन कंसल्टेशन करके प्रिस्क्रिप्शन देते हैं ताकि वो उनके वहीं इलाज कर सकेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो, ताकि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स लोगों रहती है वो हम सॉल्व करने में उनको मदद हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।